एडजस्ट कर लियो यार। आपको लगता है कि आपको कोई और झेल लेगा मेरे अलावा? एक मैं हूँ जिसने आपको सर पे बिठा के रखा हुआ है। ओ, रहने दे, ये तो सरासर झूठ है। नहीं है, मैं लाल पार्किंग में बाहर ढोल बज रहा है, मुझे लग रहा था हम ही लेट हैं, बट हमें नहीं पता था ये हमसे भी लेट है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं, मतलब हद होती है भाई, बस कर। हम अपना चैनल खोल लें फिर प्रवचन वाला। मैं वैसे काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। ना मेरे को ना थोड़ा मंठन के रहने का भी बड़ा शौक है। अगर मैं प्रवचनों पे आ गया ना फिर वो एक ही ड्रेस रह जाती है। वाह, कहाँ चले हो आप? कहाँ इतने रेडी शेडी होके चले हो? शादी पे। किसकी पे? मेरी अपनी है, मैं एक और करवाने वाला। तो हमारा तो डिवोर्स हुआ नहीं है। एडजस्ट कर लियो यार। आपको लगता है कि आपको कोई और झेल लेगा मेरे अलावा? एक मैं हूँ जिसने आपको सर पे बिठा के रखा हुआ है। ओ, रहने दे, ये तो सरासर झूठ। सर पे और पलकों पे, सर पे चढ़ा के रखा है, पलकों पे बिठा के रखा है। कोई नहीं मिलेगी आपको ऐसी जो सर्वेंट की तरह आपका काम करती है, आपके एक से एक ऑर्डर मानती है। बेड पे इनको कॉफी ग्रीन टी सब मिलता है। क्यों झूठ बोल रही है? क्या झूठ क्या बोल रही है? खुद मैं सुबह भाई सवेर के पोचे तक तो मैं लगा के जा रहा हूँ। हमने तो काम वाली रखी हुई है, केड़े पोचे? यही से देखिए आप जज कर सकते हैं इस इंसान को कि कितने झूठे हैं ये। मैं ही तो हूँ घर में काम वाला। बस रहने दो, काम वाला। सवेरे 10 बजे से पहले ये गाड़ी में बैठ जाते हैं, तो टेबल पे भी नहीं बैठते, डाइनिंग टेबल पे ये पहले गाड़ी में बैठ जाते हैं कि किसी काम के लिए ना इनको बोल दें। सामान भी इनको गाड़ी में चाहिए। कन्नू ये पकड़ा देना, कन्नू ये पकड़ा देना। यार मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं आप ऐसे जाओगे, आपने ज्यादा गर्मी डिक्लेयर की हुई है। अच्छा तो लग रहा हूँ। अरे जैकेट डाल के जाओ, वेदर चेंज हो रहा है। और बीमार होंगे तो मेरे से नहीं होगी भाई, सेवा सीधी सी बात है, मैंने पहले कह दिया है। मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर। मैंने सिर पे बिठा के रखा, पलकों में बिठा के रखा, मुझसे नहीं होगी सेवा ऐसी। झूठ बोल रही है तुम। हाँ तो मुझसे नहीं होगी बार बार सेवा। आधा यार अपनी सेफ्टी खुद रख सकता है बंदा की नहीं। जैकेट डालो, ज्यादा गर्मी लगी हुई है आपको। चल दे दे जेडी तेरे को पसंद दे दे, क्या खुद निकालो। दे दे यार बस, ये लो ये वाले डाल के जाओ, उसके साथ यही अच्छी लगेगी। मैं हमेशा फैशन सेंस, हाँ तो फैशन सेंस का मैं इतना ध्यान रखती हूँ। हाँ वो तो है, ये तो है। जिनके खुद के रोज ऑर्डर हो उन्हें सेंस ना, उन्हें सेंस ना हो जिनके रोज ऑर्डर आ रहे हैं भाई। मैं मेरे कोई रोज के ऑर्डर नहीं है, हैं झूठे जैसे। मेरे मेरे भी तीन तीन मेरे नहीं लग रहे हैं मुझे। ये आपकी पॉकेट से निकले थे, मैं क्या रख लेती हूँ, मेरे भी काम आ जाएंगे। मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की। आपको कब नहीं होती है जरूरत पैसों की? है ही नहीं है, 10 रुपए दिखे हैं, पता नहीं आखिरी बार कब देखे थे मैंने। मेरे को ये भी नहीं याद है 10 रुपए मैंने आखिरी बार कब देखा था। नोट देख ले मेरी जेब, चेक कर ले, 1 रुपया नहीं निकलना। मैं निकालूंगी तो बहुत निकलेंगे, लगवाते छुपा देते हो आप, गाड़ी में रख के आ जाते। चलाकी है मेरे साथ, मेरे साथ चलाकी। दे दो फिर 50 रुपए। काहे के? चलो यार दे दो 50 रुपए। आपको ड्रेस अभी बढ़िया है, शूज निकाल के दिए। बड़ा सस्ता फैशन डिजाइनर है तू, 50 रुपए में मान गया। अभी तो 50 रुपए सही है, बाद में निकलवाऊंगी पार्सल। दे तो 50 रुपए पॉकेट में बसेरा यार। माना ऐसे ना, पॉकेट में नहीं हाथ मारना मेरी। इसका मतलब कैश बहुत है। अभी क्या बोला, 10 रुपए देखे मेरे को जुमानने होते हैं। तो वही 10 रुपए तो ले लेगी, फिर मैं कहाँ जाऊंगा दिखाने के बाद। मैंने यार ऐसे ना किया, जेब में ऐसे तो माइनस नहीं खाएगी इसे। माइनस जो भी चाहिए कैश है, देख तो लो कितना कर रहा है। नहीं नहीं यार, ये जो हंसी है ना, अरे शगन पाना अभी उसके पैसे है बस मेरे पास। शगन जो के पैसे है मेरे पास। जो हंसी है ना, ये सब कुछ बयान कर रही है कि पैसा बहुत है सिर्फ मेरी जेब में। सिर्फ शगन जितने पैसे हैं यार, शगन के पैसे तो छोड़ दिया कर। 10 रुपए क्यों उठाए फिर? शगन जितने हैं तो रखो 10 रुपए भी। 10 रुपए जरूरी होते हैं, कत्ती जैसे मतलब 111। तो आप बैठ तो जाओ आराम से। जाने दे यार, परफ्यूम कौन सा लगा के जाऊं? ये पता मुझे नहीं पता, पहले पैसे दो। जारा वाला लगा लो, गुच्ची वाला के कौन सा है? तभी मैं डिसाइड करूंगी। मैं दे देता हूँ, अपने आप दूंगा, 50 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। चलो 50 का 100 दे दो, 50 नहीं होंगे आपके पास। देखो 50 नहीं होंगे आपके पास। 50 है, मैं अपने आप दे दूंगा 50 रुपए। तूने 50 मांगे थे, मैं 50 दूंगा। चलो दो, मैं खींचूंगी थोड़ा ना, मैं खुद ही चल दूंगा। वहां जाकर बैठ, मैं अपने आप दे दूंगा पैसे। 50 रुपए है ना तेरी, तेरी फीस 50 रुपए ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। मैं निकाल लेती हूँ 50 का नोट निकालूंगी, मैं निकाल लेती हूँ 50 का निकाल लूंगी। तूने 500 खींच लेना। 500 का है इसमें, 500 तो है ही नहीं। 100 का तो है ना। कहाँ पे 100 का है, दिखाओ। ऐसे करो, नहीं खींच रही हूँ सारे। 2-3 तो है ना, 100-100 रुपए ऐसे गंदे चाहिए मेरे को। 50 का भी करा रहा है तो भी लेना। करा रहे नहीं है फिर, मैं कल बैंक से मंगवाऊंगा नोट। 50 दे दो, वो भी सेवा के लिए। अरे तो 20 है, चलो 20 यार, 20 रुपए तो छोड़ दे। आपने 10 नहीं खाए। चलो आज की दिहाड़ी डाल के मेरी 70 रुपए। चूज़ निकाले, आपका जैकेट निकाल के दिए, उसके 20 रुपए एक्स्ट्रा है। चल कोई नहीं,
तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं हॉल में, हॉल में नहीं है लाल पार्किंग में, बाहर ढोल बज रहा है। मुझे लग रहा था हम ही लेट हैं, बट हमें नहीं पता था ये हमसे भी लेट है। बरात हमसे भी लेट आ रही है भाई। मैं तो आया था कि मुझे सीधे ही लंच करना और निकल जाना रन शूट। और चलो मजाक कर रहे हैं यार, हम टाइम पे गए। तो गाइस अब हम हैं अंदर हॉल में और भाई और मैं हम दोनों भुक्कड़ों की तरह खा रहे हैं भाई। देख सकते हो कि भाई भाई का मुंह कैसे चल रहा है। वो कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? तो गाइस मैरिज से हो गए हम बेले, बहुत देर हो गई है। अब तो हम एक दो हमारे काम थोड़े थे पेंडिंग, वो हमने कर लिए हैं। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने, क्योंकि काफी टाइम हो गया खाना वहाँ भी खाया था। तो दोबारा भूख लग जाती है, पापी पेट है, करना पड़ता है पापी पेट के लिए, बहुत सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं हमें। तो आज हम नई जगह जा रहे हैं एक और ट्राई करने, तो देखते हैं भाई क्या रिव्यूज आते हैं। खाने पे ही है, नई नई जगह पता लगती रहनी चाहिए कि कहाँ अच्छा, क्योंकि ना वो एक न्यूट्रल सा होता है, क्योंकि भाई बार बार जाओ ना वो थोड़ी बार टेस्ट खत्म हो जाता है में से। बंदा कहता फिर अच्छा, फिर ये भी फैक्ट है, बंदा कहता यार अब टेस्ट नहीं आ रहा, अब टेस्ट नहीं आ रहा, एक्चुअली वो टेस्ट बन चुका होता है। तो बंदा कहता यार नहीं, फिर उसको अगर आप एक दो महीने बहुत दोबारा जाओ ना तो फिर वो टेस्ट मिलता है। और कई क्वालिटी कम भी कर देते हैं अपना बेड़ा कर, तभी करवाते हैं वो लोग। तो कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना भाई, नहीं तो फिर काम नहीं चलता खाने वाला, खासकर खतरनाक सा और हंसी मजाक तुम्हारा चलता ही रहता है, उसके बिना तो भाई जिंदगी खत्म है, खाली है। और तो हम खत्म भाई, सीरियस होके क्या करना है, क्या और कर लोगे सीरियस बैठे रहोगे ऐसे ऐसे करके, कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, उसका फायदा नहीं है। चल रो मजाक करो ऑलवेज, एक जिंदगी मिली है, हंस के निकालनी है, रोगे नहीं निकालनी, बस कुछ भी दुनिया में कोई बड़े से बड़ा कांड कर लो फिर भी टेंशन नहीं लेनी, बस हंस के हर चीज को एक्सेप्ट कर लो, वही तभी जी पाओगे, नहीं तो अंदर ही अंदर घुट जाओगे, उसका फायदा कोई नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखता हूँ और बोलता भी पड़ता हूँ, जो परमात्मा ने जिसके लिए जो लिखा ना वो होना ही है, ये फैक्ट है। चलो आप वहां जाते हैं, फिर प्रवचन करूंगा मैं थोड़ी देर बाद। यार अब हम अपना चैनल खोल लें फिर प्रवचन वाला, मैं वैसे काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ, सच में गा रहा हूँ मैं। फिर मैं को यार मैं एक्चुअली ना मेरे को ना थोड़ा बंठन के रहने का भी बड़ा शौक है, अगर मैं प्रवचनों पे आ गया ना फिर वो एक ही ड्रेस रह जाती है, या तो चिट्टा कुर्ता भी हमें रह जाएगा, नहीं तो फिर वो गमछा सा रह जाता है, वो अच्छा सा नहीं लगता यार, फिर मेरे को दाढ़ी भी बढ़ानी पड़ेगी हमें, वो ठीक है उसमें पैसा बहुत है बट क्या कर देता हूँ भाई, कॉम्प्रोमाइज फिर अगर आप लोग मेरे को ऐसे एक्सेप्ट कर लोगे फिर मैं दे दूंगा, और मैं रहूंगा तैयार शहर होके, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं थोड़ा ना कपड़े कुपड़े भगवा पाके मैं नहीं घूम सकता कि मैं मतलब ये है ना कि मतलब मैं किसी को पहली बात मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे अब ऐसी एक जस्ट पर्सनली ऐसी टॉक कर रहे हैं कि मैं वो नहीं करूंगा कि हाँ मैं ऊपर से कुछ और दिखा रहा हूँ, बैक स्टेज कुछ और चल रहा है, वो नहीं होगा, फिर जो है सामने ही होगा। अगर मैं ऐसे बैठूंगा लेक्चर दूंगा तो मैं ऐसे ही बैठ के दूंगा, मैं वो कोई के कोई भी कलर का वो नहीं पहन के नहीं दूंगा, फिर मैं ऐसे ही स्पीच दूंगा तगड़ी, और ऐसी तगड़ी दूंगा जारे बेल कर दूंगा मैं, वो मेरे से ट्यूशन लेंगे फिर वो कि सर आप कहाँ थे, कहाँ थे सर आप, आपने तो मैं सारी ऑडियंस ही लेके यार। तो फिर ऐसा कुछ सीन हो सकता है अगर मैं आ गया लाइन में, टेंशनें बढ़ जाएंगी सबको। तो चलो गाइस यार मजाक हुआ बहुत, बट यार सीरियस भी हो सकता हूँ क्योंकि यार पैसे तो आने ही है, ठीक है ना, और चैनल से आ जाएंगे अपन, वैसे वैसे नहीं लेंगे, वैसे जेड़ा देगा अपन दान में लगा देंगे यार, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सही बात है, गरीबों में बांट देंगे। भगवान ने सिर्फ सेवा देखनी है, वो कर गए ना तो वो भगवान ने जो कृपा कर देनी है ना वो तो फिर नेक्स्ट लेवल ही जानी है, फिर उस पे वो चीजें मायने नहीं रखती। ये भी याद है, ये भी एक प्रवचन की लाइन थी, नोट कर लेना। सैंपल दिया मैंने, सैंपल प्रवचन का सैंपल दिया मैंने, टीजर झलक है भाई ये, अभी ट्रेलर तो मैं दूंगा तो पागल हो जाएगी ऑडियंस, वो तो फिर भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी भाई, मेरे
तो मेरे भगत बहुत हो जाएंगे। ये टीजर है, लेक्चर तो बड़े तगड़े तगड़े देता हूँ मैं। अब पहले था एक झाका सा कि यार कैसे होगा कैसे करेंगे, अब कनेक्शन बन गया ना बोलने का एक, तो अब तो जो मर्जी जैसे मर्जी। तो ये भाई मूंगफलियां खा रहा है, मूंगफलियां डाइट अच्छी करेंगे जी, तली हुई मूंगफलियां खा के। कमाल कर दिए हो काकू जी, कमाल ही कर दिए हो। खा लेंगे भाई, खानी तो भाई पैकेट खुला है फिर भाई, अन्न को नहीं ना मना कर सकते। देखा फिर प्रवचन आ गया ना फिर भाई पे, अन्न की बेइज्जती नहीं करनी है। हम आपको बता रहे हैं अन्न रूठ गया है तो घर में ये हो जाएगा, हम बतला ही रहे हैं आपको। तो चलो यार खाने पीने जाते यार, इसके लिए अलग कभी मुझे अच्छा लगेगा रिस्पॉन्स तो मैं कर दूंगा। फिर जो ये भागा, चलो खाना आया, भूख बहुत लगी है। तो भाई ये है हमारा ऑर्डर आ गया है। क्या ये हाफ लेमन चाप है और एक रुमाली रोटी मंगाई है। और तो भाई ये जलंधर में टैगोर हॉस्पिटल के साथ में ही है और मतलब अल्टीमेट है, खाना बहुत बहुत स्वाद है, मतलब कमाल कर दी खाने ने। मतलब काफी टाइम से मैं ना चेंज चाहता था चाप को लेके, खासकर चाप को लेके। भाई मेरा ये पक्का अड्डा है 2-3 महीने के लिए, जब तक मेरा टेस्ट ना पक्का नहीं बन जाता। सही बात है, ये मेरा पक्का अड्डा। और इसकी रुमाली रोटी कमाल की, बटर ठोक के लेके आया। बाकी इसके बाद एक है AK-47 चाप, अभी वो भी ट्राई करनी है हमें। हाफ हाफ ही प्लेट मंगा रहे, फुल्का कोई फायदा नहीं है, हाफ हाफ में वैरायटी चेक हो जाती है। तो जैसी वो आएगी लेमन चाप, कमाल की खतरनाक, इससे बढ़िया कोई नहीं बनाता। नाम क्या है यार इसका? GFC चाप हब, टैगोर हॉस्पिटल के साथ ही है भाई। रश यार कोमा सी बात है, रश मिल जाना है आपको, पता लगेगा यहाँ पर है। बाकी दिखा देता हूँ यार, ये देख लो ऐसे ऐसे बंदे खड़े होंगे, बाहर ही स्टॉल लगाया हुआ उन्होंने। तो बाकी AK-47 की वेट कर रहा हूँ, क्या AK-47 में, अब वो AK-47 की तरह चलती है कि नहीं वो देखना है। वो देखनी है। तो गाइस अभी हमारी आ गई है AK-47, अब देखते हैं AK-47 की तरह चल रही है कि नहीं चल रही है, कैसी है। एंड डिफरेंट सा लग रहा है, पक्की होगी फिर, ये डिफरेंट सा लग रहा है। मतलब मेरे को लेमन चाप ज्यादा AK-47 वो उस लेवल की नहीं चली, ऑटोमेटिक नहीं है, आपको सिंगल शॉट चलानी पड़ेगी। पर जो लेमन है वो एक होटल जैसा लग रही है भाई। तो भाई ये रहा हमारा खाना पीना, ये वो सब कोई, तो हमारा तो भाई 1-2 बजे तक का प्रोग्राम होता ही है और अभी 12 बजे है, ठीक है। तो आप लोग भी भाई टाइम से घर जाएं, हम भी टाइम से घर जाएं, हम भी टाइम से घर जाएं। हमारा तो प्रोग्राम खैर चलता ही रहता है, जो तो आप लोग कैरी करें भाई अपनी। मैं तो यही कहूँगा टाइम से घर पे रहें, टाइम से घर जाएं, बढ़िया। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।